पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों ने मुख्तलिफ शहरों को डबो दिया। मालाकंड में नौजवान बरसाती नाले में डूबकर जान बहक हो गया। तलागंग में बच्ची पानी में डूब गई। सवाबी में तूफानी बारिशों से हर तरफ पानी पानी हो गया। नदी नालों में तुगयानी आई। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। बेशतर मुकामात पर पानी घरों में दाखिल हुआ। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और सरकारी स्कूल की इमारत भी पानी से भरी रही। बारिश से चार घरों की दीवारें गिर गईं। दूसरी तरफ तरबेला डैम में पानी की गुंजाइश खत्म होने पर स्पिलवेज खोलने पड़े। करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई। नौशहरा में शदीद बारिश से सूरत हाल खराब हुई। पुलिस चौकी तालाब का मंजर पेश करने लगी। खुजदार और बारखान में भी बारिश हुई। निशेबी इलाके जेरे आब आए। तलागंग के इलाके भी तूफानी बारिश से तालाब का मंजर पेश करते रहे। दो साल बच्ची पानी में डूबकर जान बहक हो गई। बारिश का पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हुआ। थाने में भी बारिश का पानी मौजूद रहा। गुजरात को फिर मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक फुट तक पानी जमा हुआ। गाड़ियां मोटरसाइकिल पानी में डूबे रहे। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। झेलम की तहसील पिंडदादन और एतराफ में शदीद बारिश हुई। निशेबी इलाके जेरे आब आए। कबीरवाला, समुन्द्री, मानावाला, लोधरा में बारिश हुई। कमालिया, शेरकपुर शरीफ में भी बादल बरसे।